और वो आज की तारीख में वो सस्पेंड हो चुका और फिर सस्पेंड और डिसमिस तो अलग बात हुई, और उनके साथ में जो कुछ हुआ है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया है। सीधे बोल रहा है कि मेरा खराब है, मशीन खराब है, स्लिप देने का कोई प्रावधान नहीं है, स्लिप हम नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक डीलर को कैसे इतना हिम्मत हो रहा है, जाइए जहाँ जो करना है, जो केस करना है, मुकदमा करना है, जहाँ जो कार्रवाई करना है, आप जितना दूर तक जा सकते हैं जाइए, लेकिन आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और कुछ बोलते हैं तो सीधे वरीय अधिकारी पे दोष दे देता है कि ऊपर से हम लोग का कटौती होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 5 ऐसे आदमी दीजिए जो इस तरह से कर रहा है, लाभुकों के साथ में, इनके साथ में क्या किया, और इमीडिएटली 2 के अंदर में उस पर एक्शन होगा। ये तरीका होगा किसी को ही करने का, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है, लिख पढ़ के चले जाओ और फिर दे दो साहब को, इस पर ही करेंगे तो इसमें और कारगर ढंग से हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे, और एक्शन लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारे लोगों पर। दूसरी बात, तीसरी बात है कि प्रत्येक यूनिट पे 1 kg 2 kg काटा जा रहा है राशन, तो यह गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। इसको लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची टीम, हम लोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी माननीय से मुलाकात करके उसको ज्ञापन सौंपे, और हम लोग चेतावनी दे रहे हैं सभी डीलर को, सभी अधिकारी को, सभी पदाधिकारी को। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर ले लाइव न्यूज के लिए। आखिरकार जिला आपूर्ति प्राधिकारी का डंडा चला, जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाइसेंस किया रद्द। सही सुन रहे हैं आप, लेकिन यह मामला अब यहीं समाप्त नहीं हुआ। जैसा कि पिछले खबर में हमने आपको दिखाया था कि पदाधिकारी ने क्या कहा, तकरीबन उस खबर को अब तक 22 लाख लोगों ने 2 में देखा है, क्योंकि यह जानकारी बहुत जरूरी है। उस खबर में जो पदाधिकारी ने बातों को कहा, अब लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और हो रहे हैं जागरूक। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास अब लोग जन वितरण प्रणाली दुकानदार के मनमानी के खिलाफ लिखित कंप्लेंट लेकर लोग पहुंचने लगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। 1-2 पूर्व हमने खबर दिखाया था, बुढ़मू प्रखंड के कुछ ग्रामीण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास लिखित कंप्लेंट लेकर लोग पहुंचे थे। पदाधिकारी ने उनके बातों को सुना और लिखित कंप्लेंट के बाद जांचों उपरांत PDS दुकानदार के लाइसेंस को पदाधिकारी ने रद्द कर दिया। लेकिन यह मामला लाइसेंस रद्द होने तक सीमित नहीं है, और भी कई कार्रवाई उस डीलर पर किया जाएगा, और भी जांच चल रहा है जैसा कि पदाधिकारी कहते नजर आए। लेकिन आज सोनाहातू प्रखंड सिल्ली और टाटी सिल्वे से कंप्लेंट लेकर JBKSS के सदस्य पहुंचे, डीलरों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात भी कह गए। लेकिन आइए देखते हैं, जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से JBKSS के सदस्य मिले तो फिर से कुछ नई बातें सामने आई जो आपको सुनना चाहिए। पदाधिकारी ने और JBKSS के सक्रिय सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से, लेकिन जरूर देखें इस खबर को, क्योंकि आपके हक और अधिकार की बात है। जागरूक बने, खबर अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। आप अपने माध्यम से, क्योंकि आप लोग JBKSS के सदस्य हैं और लगातार कई मुद्दों पे आप लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, एज अ झारखंडी, ठीक है, झारखंड वासियों को जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि आप पदाधिकारी से मिल करके अभी आ रहे हैं और सारी बातों को आप समझ के आ रहे हैं। जी, चूँकि आपका चैनल के माध्यम से यह गंभीर मामला उठाया गया है, तो खास करके रांची जिला के अधिकतर जो भी वंचित और इससे हकमार जो ग्रामीण है इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तमाम ग्रामीणों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका हक अधिकार का कटौती हो रहा है तो आप चुप न रहें। आपका नाम, कार्ड नंबर, डीलर का नाम, दुकानदार का नाम के साथ आप हम लोग को सूचित करिए या पदाधिकारी को सूचित करिए। आप लोग के साथ रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी खड़ा रहने की जरूरत पड़ेगा तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की टीम रहेगा। लेकिन आप एक बात ठान लीजिए, चूँकि आज अगर आप चुप रहते हैं तो समझ रहे हैं पेट में लात मारा जा रहा है। पेट के लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है, पेट के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, और जो पेट का ही लात मार दिया जा रहा है तब तो आगे आना पड़ेगा। 3 हम लोग मुख्य रूप से रखे हैं कि पहला तो जैसे कि रांची जिला में कुल लगभग 2140 जन वितरण प्रणाली दुकान है,
तो उसमें से अधिकतर में जो पॉस मशीन है उस पर तोल कर नहीं दिया जाता है और लाभुक को स्लिप नहीं दिया जाता है, रसीद नहीं दिया जाता है। तो एकदम कंपलसरी एक लेटर जारी कर दीजिए, स्पेशल प्रावधान तो आपका है ही कि स्लिप दिया जाए अनिवार्य रूप से। दूसरा बात, लाभुक से दो बार जो अंगूठा दबा करके 1.5 महीना का दिया जा रहा है, तो इस पर भी एगो आप लोग अपने स्तर से जो भी है दो बार, मतलब कि 2 महीना का होना चाहिए और प्रति यूनिट कहीं 2 किलो कहीं 3 किलो। अच्छा सर, एक यूनिट पे कहीं 5 किलो हो रहा है कहीं 10 किलो हो रहा है, इसका कितना है सर एक यूनिट का? एक यूनिट में 5 केजी है। 5 केजी है ना? नहीं, इसीलिए तो आपसे पूछ लिए। हाँ, लेकिन मान लीजिए और सर जैसे कि पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन हेतु जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और शहरी निकाय क्षेत्र में वार्ड स्तरीय और पंचायत स्तरीय गठित जो सतर्कता समिति जो बनाया गया है कि दुकान का उस क्षेत्र का किसी को 2%, किसी को 5%, किसी को 10% सप्ताह में महीना में विजिट करने का, ये तो सर हो नहीं रहा है। कहीं भी कोई दुकान में सतर्कता समिति जा नहीं रही है, तो यही सब के कारण इन लोग का मन बढ़ा हुआ है सर। और अब आगे हम लोग 2 दिन, हम लोग जैसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से हैं, तो हम लोग इसमें विचार किए हैं सर वो कोई कि अगर 2 दिन के अंदर जितना भी कटौती हो रहा है उस पर अगर ठोस निर्णय नहीं होगा तो फिर हम लोग का कमेटी निर्णय लेगा एक आंदोलन को लेकर के चरणबद्ध जो भी संवैधानिक तरीके से होगा, क्योंकि गरीब का खून चूसना सर सबसे निचले स्तर का है और उसका हक मारा जा रहा है, बताइए सर। और हम लोग उन लोग से बात करते हैं तो सीधे वरीय अधिकारी मैंने आप लोग पे उन लोग सवाल खड़ा कर देते हैं, तो क्या सच्चाई है सर आप थोड़ा बोल दीजिए। चिट्ठी निकालने वाली बात क्लियर कट फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में क्लियर कट प्रावधान है कि उसको करना है और इसमें चिट्ठी निकाल देने से अगर हो जाएगा तो मैं चिट्ठी निकाल के मुझे कोई आपत्ति नहीं है, निकाल दूंगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 5 ऐसे आदमी दीजिए जो इस तरह से कर रहा है, लाभुकों के साथ में, किनके साथ, इनके साथ में क्या किया, और इमीडिएटली 2 दिन के अंदर में उस पर एक्शन होगा। ये तरीका होगा किसी को ही करने का, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है लिख पढ़ के चले जाओ और फिर दे दो साहब को इस पर ही करेंगे, तो इसमें और कारगर ढंग से हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे और एक्शन लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारे लोगों पर। पिछले 2 दिन पहले जी गुरुभू प्रखंड से बहुत सारी माता बहन आप ही के पास आई हुई जी, उन्होंने आपके सम्मुख सर ऑन कैमरा सभी ने अपना दुख जो है जी सभी ने यही किया सर, उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुआ सर? उस पर अभी क्या कार्रवाई हुआ जी सर, आपको दिखा दूं। उन्होंने मुझे स्टैम्प पेपर में मैंने मंगाया है शपथ पत्र के साथ में लिख के जी सर, और वो आज के तारीख में वो सस्पेंड हो चुका और फिर सस्पेंड और डिसमिस तो अलग बात हुई, और उनके साथ में जो कुछ हुआ है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया है, उस पर FIR होंगे, उसने उसके द्वारा जितने भी पैसे लिए गए हैं। अब इसमें उन्होंने लिखा कि हमको ये कर दिया, कहानी कथा लिख दिया, लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि किससे कितना पैसा लिया तब ना हम इसमें एक होगा। ऑन कैमरा बोला सर 5,000 भैया के लिए, भैया ऑन कैमरा बोलना और फिर ऑन कैमरा को हम क्या बोलते हैं कानून की लड़ाई में ऑन कैमरा वाली बातें कुछ नहीं होती है, एविडेंस होता है और एविडेंस देने के लिए सारा चीज़ व्यवस्था हो गई है और उस पर फुल स्विंग में हम लोग कर चुके हैं। आज वो उसका सस्पेंशन लेटर चला गया है और बाकी आने वाले कार्रवाई जो भी कार्रवाई होगी, वसूली करने की कार्रवाई होगी, FIR करने की कार्रवाई होगी, उसके प्रोसेस में वो फाइल तैयार। अच्छा सर, आप अपने से पूछ सकते हैं आपका कोई ऐसा एक भी दुकानदार है जो स्लिप देता, रसीद देता? हमारे काफ़ी दुकानदार हैं जो स्लिप देते हैं और स्लिप पब्लिक के पास में पब्लिक भी दिखाता है। नहीं, हम तो इस तरह से जनरलाइज आप करेंगे कि नहीं देता है, हमको बोलिए ना 5-10 डीलर का कीजिए और फिर हमको स्पेसिफिक दीजिए कि सारी चीज़ों को। अरे हम लोग की आदत है ना, कभी भी खरीदते हैं कुछ जाते हैं लोग लेते हैं और लेकिन उसको बाय जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रोविजन है कि उसको लिया जाना है, लेने वाले को भी लेना है और देने वाले को भी देना है, और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लेने वाले को इंटरेस्ट नहीं हो, मिल गए लो जाए थी। और कार्रवाई करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं,
लेकिन टू द पॉइंट स्पेसिफिक। जी सर, हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब का हक मिले। अरे भैया, गरीब का हक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गरीब को भी खड़ा होना पड़ेगा ना। अभी इतना लेके आते, पांच छः आदमी का लेके आते, सर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका प्रूफ ये है ये है। अभी तुरंत टू द पॉइंट वहाँ का BSO अब भी तुरंत जाके वहाँ पर जाँच कीजिए और शाम तक रिपोर्ट दो और कल कार्रवाई हो जाएगी। सर होगा ना? जी जी। अब मैं जाऊंगा, खोजूंगा कौन है भाई, किस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, ये सब आप जान ही रहे हैं। स्पेसिफिक दीजिए ना, हम लोग को काम करने में थोड़ा आप लोगों का हेल्प मिल जाएगा। डीलर स्लिप नहीं देता है, स्लिप भी दे देता है और बोलता है वन रिकॉर्ड, हम लोग डाटा के रूप में हम लोग इसको कलेक्ट कर करके अभी जितना पहले दे रहा है, जैसे मान लीजिए 25 KG पहले दे रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 12 KG 15 KG ही दिया जा रहा है, और किसी कहीं कहीं का डीलर में फुल दे रहा है, लेकिन कोई कोई डीलर अभी कम ही दे रहा है। कोई कोई डीलर मतलब कहीं कहीं का, जैसे मान लीजिए कांके ब्लॉक का अगर हम देखते हैं। मैं बोला ना स्पेसिफिक, सुनाहतु ब्लॉक का स्पेसिफिक दो ना। सुनाहतु ब्लॉक का मैंने एक भी ऐसा डीलर नहीं है जो स्लिप देता। हम लोगों को जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है ना, तो ऑपरेशन करने की नौबत आती है, दवाई खिलाने से नहीं होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ अपने अपने क्षेत्र से, आप जहाँ कहीं के भी पांच पांच तो डीलर का नाम दो ना, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, एविडेंस के साथ में, लाभों के नाम के साथ में, राशन कार्ड के नाम के साथ। उसके बाद फिर उसके जांच के क्रम में उनसे स्टेटमेंट लिया जाएगा, स्टेटमेंट लेने के बाद में कार्रवाई का ये बनता है। उसके बाद फिर JBKSS के काफ़ी संख्या में सदस्य पहुँचे हैं सोनाहातू से। क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे रांची आज, हम इनसे आइए जानते हैं। अधिकारी के पास आप लॉज क्यों आए हुए थे और कहां से आए? जी, रांची ज़िला के लगभग सभी प्रखंड से शिकायत आ रहा है ग्रामीणों का कि अभी सितंबर और अगस्त महीना का जो राशन वितरण किया जा रहा है, इसमें दो बार टेपा लगाया जा रहा है और डेढ़ महीना का राशन दिया जा रहा है। दूसरी बात, पूरे रांची ज़िला के अंतर्गत लगभग 2140 जन वितरण प्रणाली दुकान है, उसमें से एक भी ऐसा दुकान नहीं है जो लाभुक को रसीद देता है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि प्रत्येक यूनिट पे 1 KG 2 KG काटा जा रहा है राशन, तो यह गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। इसको लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची टीम, हम लोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी माननीय से मुलाकात करके उसको ज्ञापन सौंपे और हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग ने 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के अंदर एक कड़ा निर्णय लेकर के जितने भी दुकानदार हैं, लगभग रांची के लगभग 5 लाख परिवार को कार्ड, 5 लाख कार्ड है, लगभग 19,80,000 आदमी को, आबादी को इस रांची ज़िला में के माध्यम से उन लोग को राशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं 2140 दुकानदारों में से एक भी ऐसा दुकानदार, हम लोग ने पदाधिकारी महोदय से पूछे कि एक दुकानदार का नाम बता दीजिए जो स्लिप देता है, जो नहीं बता पाए। यह बहुत बड़ा बात है, स्लिप नहीं देना बहुत बड़ा घोटाला का बू आ रहा है। और स्लिप नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग 2 दिन के अंदर अगर स्लिप नहीं दिया जाएगा तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची टीम जो है कि हम लोग एक एक ब्लॉक का BSO हो, चाहे जिला का DSO हो, चाहे डीलर हो, चाहे संबंधित जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, सबको हम लोग घेरने का काम करेंगे या आंदोलन करने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं सभी डीलर को, सभी अधिकारी को, सभी पदाधिकारी को कि आप लोग स्लिप दीजिए। और हम लाभुक से भी निवेदन करेंगे कि आप राशन प्राप्त करने के बाद हर हाल में स्लिप मांगिए, और अगर स्लिप नहीं दे रहा है तो आप अपना नाम, कार्ड नंबर और आप लिखित रूप से बताइए कि हम इस जगह का, हम ये दुकान से हम राशन लेते हैं और मेरा नाम ये है, मेरा कार्ड नंबर इतना है, हमको स्लिप नहीं दिया जा रहा है। हम लोग दावे के साथ करें कि उस दुकान को हम लोग 2 दिन के अंदर हम लोग जो है कि उसको निलंबित कराने का काम करेंगे, उसको जो है कि बर्खास्त कराने का काम करेंगे। क्योंकि अभी पदाधिकारी ने एक बड़ी बात कही कि हम लोग कार्रवाई करने को तैयार हैं, जैसा कि वुड़मू का मामला आपने सुना, वो क्या बताया आपको कि क्या उसको सस्पेंड कर दिया गया? जी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये विभाग के अधिकारी द्वारा जो है कि सकारात्मक पहल है, इसके लिए आपूर्ति पदाधिकारी जी को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनका कर्तव्य भी है
कि एक जिला आपूर्ति पदाधिकारी होने के नाते अगर उसके अंतर्गत आने वाले दुकानदारों का अगर धांधली करेगा तो उस पर कार्रवाई होना या तो प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बुड़मू एक मामला नहीं है, रांची जिला के अंदर सवाल वही बनता है कि बुड़मू एक प्रखंड नहीं है, वहाँ के काफ़ी संख्या में लोग आए थे। पदाधिकारी ने एक बड़ी बात कही कि मेरे साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जनता जो होता है बहुत राशन अगर सरकार के माध्यम से ले रहा है, मतलब जाहिर सा बात है कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत जागरूक नहीं है। तो हमने जब स्पष्ट कर दिया है कि आपका कोई दुकानदार स्लिप नहीं देता है, तो उन्होंने खुद भी पहल कर सकते हैं। बाकायदे एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है पारदर्शिता से क्रियान्वयन करने हेतु, जो राज्य स्तरीय टीम है, जिला स्तरीय टीम है, पंचायत स्तरीय टीम है, शहरी में वार्ड स्तरीय तक टीम है, जिसमें तमाम छोटे से छोटे अधिकारी पदाधिकारी को इस टीम पर रखा गया है। बाकायदे उन लोग का जो प्रावधान है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कि प्रत्येक महीना राज्य स्तरीय टीम को भी, जिला स्तरीय टीम को भी, प्रखंड स्तरीय टीम को भी, पंचायत स्तरीय टीम को भी, वार्ड स्तरीय टीम को भी, कि प्रत्येक महीना मैंने उस क्षेत्र का दुकान का किसी को 2%, किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 6% दुकान को विजिट करना है, जांच करना है। लेकिन आज पूरा विभाग सोया हुआ है, कोई भी सतर्कता कमेटी, कोई भी दुकानदार निगरानी पे नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आज खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं उदासीनता रवैया है, जिसके कारण जो डीलर हैं, जो दुकानदार हैं, अपने मनमानी से कार्य कर रहे हैं और गरीब का हक मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं गरीब का इसमें हक मारा जा रहा है, इसीलिए गरीब का अगर हक मारा जाएगा तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बर्दाश्त नहीं करेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि बिना रसीद का राशन मत लीजिए। और राशन कोई कोई को डर होता है ग्रामीण को कि मेरा कार्ड कट दिया जाएगा, तो हम आश्वासन देते हैं कि पूरे रांची जिला का एक भी लाभुक का कार्ड नहीं काटा जाएगा, किसी का औकात नहीं है। कोई BSO का, कोई डीलर का, या इतना तक कि DSO का भी किसी का कोई प्रावधान नहीं है कि हाँ कि किसी का लाभुक का जो है कि कार्ड काट दिया जाएगा। इसलिए डरे नहीं, आपका कार्ड कहीं खतरा नहीं है, आपको लाभ लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। ये जो आपको राशन का लाभ दिया जा रहा है, ये 1940 ईस्वी से चलते आ रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है, और यह भारत सरकार और राज्य सरकार का साझा ये कार्यक्रम है और ये लोग का प्रयास है कि जितने भी लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग, उसको सस्ते से सस्ते दर पर अधिकतम सब्सिडी से जो है कि हम इसका भरण पोषण करें और उनका जो है कि एक स्वस्थ, बेहतर स्वास्थ्य का के लिए उसका हम काम करें। और इसको लेकर के बाकायदे पारदर्शिता को लेकर के बहुत सतर्कता टीम का भी गठन किया गया है। इसलिए ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है, बस आप डीलर की बहकावे से ना आए, डीलर का झांसा में ना आए, और वो लोग गलत न्यूज देता है, गलत ज्ञान देता है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची टीम से संपर्क करें। हमारे साथ सुमित दास से लेकर समाज तमाम जो है कि हम लोग साथ में हैं। कई लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन कल उस दिन जो कुछ लोग आए थे तो एक बड़ी बात कह रहे थे कि यदि हम लोग कहीं आवाज उठाते हैं तो धमकी दिया जाता है। देखिए, धमकी देने का मतलब है कि गरीब चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके पास जागरूकता का अभाव है, तो धमकी दे देंगे तो डर जाएगा और हम मलाई खाते रहेंगे, हम लूटते रहेंगे, इसी को लेकर के एक डराने का साजिश है। तो डरे नहीं, धमकी से कुछ नहीं डरना है। ये वो अपना लूटने के लिए सिर्फ डराया जाता है, आपको आँच तक नहीं आएगा। ग्रामीण लोग, आपका अधिकार है, आप जनता हैं, आप यहाँ के राजा हैं, आपके हक का चीज़ है, बाकी जो है आपके सेवा के लिए हैं। और अगर आपको हक नहीं मिल रहा है तो आप हिम्मत दिखाइए, आपके साथ हम लोग रहेंगे, हम दावा करते हैं आपका कार्ड का कटौती नहीं होगा, कार्ड का कटौती नहीं होगा। अंत में एक अहम सवाल जो आपने भी पूछा था कई लोगों को, हालांकि पिछले भी हमने खबर में देखा था कई लोगों को मालूम नहीं था कि डिजिटल का युग है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण में सभी लोग अब अनपढ़ रह गए हैं, कई लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए भी हैं। तो जो जांच करने का जो चीज़ है, जो बातें हम नहीं जानते हैं, वो किस पोर्टल पे पदाधिकारी ने क्या बताया आपने समझा? जी, एक आहार पोर्टल है,
आहार पोर्टल के माध्यम से हर व्यक्ति मोबाइल पे लॉगिन करके वो देख सकते हैं कि कौन सा डीलर किसको किसको कितना राशन दिया जा रहा है, किसके किसके नाम से दिया जा रहा है, ये सारे चीज़ का प्रावधान है। और चूंकि ग्रामीण इलाका पे जागरूकता का अभाव है और जो बात सामने आई है कि कार्ड बनवाने के लिए भी 5,000, 7,000 किसी को 8,000 भी लिया जाता है, यह सच्चाई है। चूँकि इसका शिकार हमारे रांची ज़िला का खास करके सोनातू राहे सिल्ली अनगड़ा क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा पर इसका शिकार हैं लोग, और हम लोग के पास भी इसका लगातार शिकायत आता है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर हम रिपीट करेंगे कि कार्ड बनवाने के लिए या नाम जोड़ने के लिए किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वेच्छा से थोड़ा जागरूक होइए और थोड़ा नेट चलाने सीखिए, या तो बगल का जो कैफ़े है वहाँ जाके आप अप्लाई कर दीजिए, स्वतः प्रोसेस के साथ हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो हम लोग जो है कि विभाग पे जाके दबाव बनाने का काम करेंगे, उसको सवाल पूछने का काम करेंगे हम लोग सीधे तौर पर। मतलब ये जैविक ऐसे सब पूरे झारखंड में मुहिम चलाएगा? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिस प्रकार राज्य का पहचान को लेकर के और राज्य का भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को लेकर के संघर्ष कर रहा है, उसी प्रकार जो गरीब के जो हक है अधिकार है उनका जो अन्न है इसका पूरे राज्य भर में जो कटौती हो रहा है इसका इसको लेकर के जोर शोर से लड़ेगा और इसका प्रमुख मुद्दा रहेगा हमारा जैविक एस एस का। देवेंद्र नाथ महतो, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। चलिए हमारे साथ सुमित महतो भी हैं जो टाटी सिल्वे से आते हैं, दो सब दिन से भी क्या कहेंगे, आपके भी क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है क्या? जी हाँ, पूरे झारखंड प्रदेश की ही यही दशा है। चूँकि अभी हम लोग DSO साहब से काफ़ी लंबा बातचीत हुआ, और इससे पहले 3 दिन पहले जो बुढ़मू से चल के हमारे माता बहन यहाँ तक पहुँची थी, और आप खुद साक्षी हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने इस न्यूज़ को देखा है कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। चूँकि डीलर लोग का मन इतना बढ़ चुका है, डीलर ही नहीं, हम तो कहेंगे कि BSO और जो अन्य पदाधिकारी हैं DSO के बाद, सभी का मिलीभगत से जो भी कला करतूत यहाँ पर चल रहा है, खाद्या कला करतूत चल रहा है, तो क्या आप लोग बर्दाश्त करने वाले हैं? अधिकारी से तो मिलकर आप पूरी बात को समझ गए मेरे ख्याल से? जी हाँ, हम लोग पूरी बात समझ चुके हैं, और अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चूँकि अपना हक अधिकार के लिए जागरूक है, उस दिन भी आपके माध्यम से पूरा राज्य की जनता देख चुकी है कि जनता किस तरह से 2 साल के आंदोलन में जाग चुकी है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।